लाहौर के इलाके क्रोल घाटी के करीब केमिकल फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक लाहौर में रिंग रोड के करीब क्रोल घाटी में बाकी एक पेंट फैक्ट्री में रात गए आग भड़क उठी थी, जिसने पूरी फैक्ट्री को अपने लपेट में ले लिया। जबकि आतिशबाजी से फैक्ट्री में रखे थिनर और केमिकल के ड्रम पटने के बाद शोले आसमान से बातें करने लगे। रेस्क्यू ऑफिसर का कहना है कि केमिकल की वजह से आग दोबारा भड़कने का अंदेशा है। इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू की 10 से 12 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। रेस्क्यू के मुताबिक रिंग रोड के करीब पेंट फैक्ट्री में आग रात 10:30 बजे लगी, जिसकी वजह का तायुन नहीं हो सका। रेस्क्यू का कहना था कि 6 कैनाल पर कायम पेंट फैक्ट्री में आग के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं। केमिकल के ड्रम धमाकों से पटते रहे, जिससे इलाके में खौफ हरास पैदा हो गया। रेस्क्यू का कहना है कि फैक्ट्री के करीब आबादी न होने की वजह से किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। अहले इलाका के मुताबिक आग से मुतासर फैक्ट्री में तैयार होने वाला केमिकल मुकामी फैक्ट्रियों को भी सप्लाई किया जाता था। ताज़ा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।